Hi, this is Gulshan Sharma and you're watching Sportzcraazy. और आज बात करेंगे अफगानिस्तान की एकमात्र ऐतिहासिक जीत पर। जी, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 224 रनों से हरा दिया और उनकी ऐतिहासिक जीतों में से एक है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान का ये तीसरा टेस्ट मैच था। उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में किया भारत के विरुद्ध बैंगलोर में, और उसके बाद उन्होंने अगला मैच खेला देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ। उन्होंने आयरलैंड को भी हराया, भारत से वो हारे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ ये जीत उनकी सबसे बड़ी जीत है। बांग्लादेश को उन्होंने उनके ही घर में 224 रनों से हराया और राशिद खान बने इस पूरे मैच के हीरो, जिन्होंने इस मैच में 75 रन बनाए और वहीं 11 विकेट झटके। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। अब बात करते हैं पूरे मैच की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 342 रन बनाए और पहले दिन से ही अफगानिस्तान का दबदबा कायम रहा। अफगानिस्तान की तरफ से उनके एक्सपीरियंस प्लेयर असगर अफगान ने दोनों ही पारियों में गजब का खेल दिखाया। उन्होंने पहली पारी में 92 रन स्कोर किए और दूसरी पारी में भी 50 रन बनाए। लेकिन सबसे खास बात जो रही रिकॉर्ड, जी हाँ, इस मैच में रिकॉर्ड बहुत बने। रहमत शाह इस मैच में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने, वो पहले टेस्ट सेंचुरियन बने अफगानिस्तान की ओर से। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस पूरे मैच में राशिद खान को साथ मिला जाहिर खान और मोहम्मद नबी का। मोहम्मद नबी जो कि इस मैच से पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि वे उनका आखिरी टेस्ट है, और इस मैच के साथ ही अफगानिस्तान ने उनको इस मैच से विदाई दी। और उसके बाद ये क्षण उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था जब राशिद खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। राशिद खान ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोहम्मद नबी को डेडिकेट किया। और ये मैच अफगानिस्तान के लिए कितना अहम है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। आईसीसी ने इसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की थी जिसका आगाज एशेज सीरीज से हुआ था। अफगानिस्तान इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन शायद आईसीसी जरूर फैसला लेगी 2021 में, जो कि दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी। ये मैच राशिद खान के लिए भी अहम था। राशिद खान इस मैच में कप्तानी कर रहे थे। वर्ल्ड कप के बाद राशिद खान तीनों फॉर्मेट के नए कप्तान बनाए गए। वैसे कप्तानी में उनको सपोर्ट मिला असगर अफगान का, लेकिन कप्तानी के लिहाज से बहुत बड़ा मैच था। राशिद खान पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने अपने डेब्यू कैप्टनसी में 11 विकेट झटके और साथ ही साथ एक अर्धशतक भी लगाया। अब बात करें अफगानिस्तान के आने वाले टेस्ट मैचों के लिए, जो उनकी दिशा तय करेगा दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जो शुरू होगी 2021 में। इसी साल अफगानिस्तान को भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन उसके बाद 2020 में अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के लिए। उसके अलावा वो आयरलैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच खेलेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट पिछले 4-5 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत मजबूती के साथ उभरा है, और इसमें बड़ा नाम रहा है राशिद खान, मोहम्मद नबी और असगर अफगान जैसे प्लेयर्स का। और इस टेस्ट मैच के बाद शायद अब अफगानिस्तान को सीरियस लेना शुरू करेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्सक्रेजी को फॉर मोर स्पोर्ट्स अपडेट। टिल देन सी यू, बाय बाय। We'll be right back.